अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वी आर रीडिंग सेकेंडरी सोशल स्टडीज फॉर पाकिस्तान इन ग्रेड 7, चैप्टर नंबर 2. द टाइटल इज क्लाइमेटिक रीजन्स ऑफ द मुस्लिम वर्ल्ड. टुडे इज फ्राइडे 21 मई 2021. लर्निंग आउटकम स्टूडेंट्स, आफ्टर अटेंडिंग टुडेज लेक्चर यू विल हैव कमांड ओवर द लेसन कॉन्टेंट थ्रू क्वेश्चन आंसर्स. वी विल डू एक्सरसाइज क्वेश्चन आंसर्स. क्वेश्चन नंबर 1, डिस्क्राइब वाई द मानसून आर इम्पॉर्टेंट फॉर साउथ एंड साउथ ईस्ट एशिया. आपको बताना है कि जो मानसूनस हैं, सीजनल विंड है, जुलाई और अगस्त की जो बारिशें होती हैं, वो क्यों इंपॉर्टेंट हैं साउथ एंड साउथ ईस्ट एशिया के लिए. मानसूनस आर लाइक लैंड एंड सी ब्रीजेज ऑन अ मच लार्जर स्केल. जो बहुत बड़े पैमाने पर सी साइड से या लैंड की साइड से ब्रीजेज या विंड्स चलती हैं, उस तरह की मानसूनस भी होती हैं. ये भी सीजनल विंड है. मानसूनस आर इंपॉर्टेंट फॉर साउथ एंड साउथ ईस्ट एशिया बिकॉज दीज एरियाज आर डेंसली पॉपुलेटेड. ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये वाले एरियाज यानी साउथ एंड साउथ ईस्ट एशिया, ये बहुत ज़्यादा आबादी वाले हैं. एंड दे नीड फूड, और उनको खुराक की ज़रूरत होती है. एंड एग्रीकल्चर ऑफ दिस एरिया डिपेंड्स ऑन रेनफॉल. और इस एरिया की जो एग्रीकल्चर है, क्रॉप्स को उगाना है, वो बारिश पे डिपेंड करता है. ड्यू टू रेनफॉल एग्रीकल्चर इज़ पॉसिबल इन दीज एरियाज. और बारिश की वजह से ही इन एरियाज में जो है वो एग्रीकल्चर, फसलों को उगाना जो है वो पॉसिबल होता है. इन साउथ एशिया मेजर सोर्स ऑफ रेन इज मानसून. साउथ एशिया में जो बड़ा सोर्स है बारिश का, वो क्या है? मानसून, यानी ये सीजनल विंड जो आती है. इनफैक्ट होल इकोनॉमी ऑफ एग्रीकल्चर बेस्ड कंट्रीज लाइक इंडिया, पाकिस्तान भी कह सकते हैं, वो कंट्रीज जो के क्रॉप्स पे बेस करते हैं, क्रॉप्स के उगाने पे, उन पे उनकी फूड डिपेंड करती है, तो इज़ डिपेंडिंग ऑन एक्यूरेट स्ट्राइक ऑफ मानसून विंड्स. उनकी जो इकोनॉमी है, उनकी जो फाइनेंशियल स्टेटस है, वो सारा डिपेंड कर रहा है कि बारिश कब टाइम पे हुई. मानसून इज़ द बैकबोन ऑफ एग्रीकल्चर फॉर द साउथ एशियन कंट्रीज. जो साउथ एशियन कंट्रीज हैं, उनके लिए मानसून या सीजनल विंड और से होने वाली जो बारिश है, वो बैकबोन यानी मेन रोल प्ले करती है. क्वेश्चन नंबर 2, हाउ इज़ पाकिस्तान अफेक्टेड बाय मानसून. पाकिस्तान के ऊपर मानसून का क्या इफेक्ट होता है? पाकिस्तान गेट्स इट्स मानसून रेन्स फ्रॉम जुलाई टू सेप्टेम्बर, बट दीज आर टर्नड एंड कम फ्रॉम द साउथ ईस्ट रादर दैन द साउथ वेस्ट. पाकिस्तान में जो मानसून रेन आती है, वो जुलाई टू सेप्टेम्बर आती है. तो पाकिस्तान में इसको जिस साइड से आना चाहिए, यानी साउथ वेस्ट से, वो साउथ ईस्ट से आती है. उसकी वजह से ये टर्न हो जाती है इसकी डायरेक्शन. क्या होता है फिर? एज अ रिजल्ट दे हैव टू क्रॉस इंडिया फर्स्ट. पहले ये इंडिया से होके आती है उस डायरेक्शन चेंज होने की वजह से, एंड हैव ड्रॉप मच ऑफ देयर रेन बाय द टाइम दे रीच पाकिस्तान. और पाकिस्तान पहुंचने से पहले ही काफ़ी रेन जो है वो पीछे हो जाती है, बारिश जो है. ओनली द नॉर्थ ऑफ द कंट्री गेट्स रियल मानसून रेनफॉल. तो पाकिस्तान के सिर्फ जो नॉर्दर्न माउंटेंस हैं, वहाँ पर जो है वो बारिश ज़्यादा होती है. क्वेश्चन 3 हमने ड्रॉप किया, हम क्वेश्चन 4 में आएंगे. लिस्ट द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ ट्रॉपिकल फॉरेस्ट एंड रेन फॉरेस्ट. मच ऑफ द ट्रॉपिकल फॉरेस्ट इज़ वेरी वैल्यूएबल फॉर टिम्बर सच एज टीक. टीक कौन सी लकड़ी होती है? इसको सागवान कहते हैं. ये बड़ी इंपॉर्टेंट है इसके लिए, और जो अदर हार्डवुड्स हैं. तो ट्रॉपिकल फॉरेस्ट से बहुत अच्छी टाइप की लकड़ी मिलती है. वेयर दीज हैव बीन कट डाउन एंड द फॉरेस्ट क्लियर. जहाँ पे इन को कट किया जाता है और फॉरेस्ट को क्लियर किया जाता है, वहाँ पर जो है शुगर कैन, कोको, रबर, मैंगोस, पाइनएप्पल्स एंड अदर ट्रॉपिकल फ्रूट्स आर ग्रोन. वहाँ पे ये चीज़ें जो हैं उगाई जाती हैं. शुगर कैन, कोको, रबर, मैंगोस, पाइनएप्पल्स एंड अदर ट्रॉपिकल फ्रूट्स. ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट रीजन इज इम्पॉर्टेंट फॉर टिम्बर सच एज टीक एंड अदर हार्डवुड. जो सागवान की लकड़ी होती है, टीक की, और दूसरी हार्डवुड्स, उसके लिए ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है. सो दिस रीजन इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर एक्सपोर्ट ऑफ टिम्बर वुड. और इसलिए भी कि इस टिम्बर वुड को जो कंस्ट्रक्शन में यूज़ होती है, उसको बाहर के कंट्रीज़ को भी सेल आउट किया जाता है. ट्रॉपिकल रीजन ऑल्सो प्रोड्यूसेस शुगर कैन, बनाना, कोको, रबर, मैंगोस, पाइनएप्पल्स एंड अदर ट्रॉपिकल फ्रूट्स. ये फ्रूट भी वहाँ पे उगते हैं ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट के अंदर. ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट रीजन इज़ नॉट सूटेबल फॉर हेल्थ. सेहत वहाँ पर अच्छी नहीं रह सकती, उसके लिए मुनासिब नहीं है. बिकॉज हीट एंड मॉइस्ट एटमोसफियर इज़ नॉट सूटेबल फॉर हेल्थ. क्योंकि इतने ज़्यादा ट्रीज होते हैं और उसकी वजह से बारिश भी बहुत होती है, इतना मॉइस्चर जो है वो हेल्थ के लिए ठीक नहीं होता, और हीट भी बहुत होती है. और इसके अलावा मलेरिया एंड अदर डिजीज़ आर कॉमन इन दिस रीजन. बीमारियाँ आम हैं इस टाइप की वहाँ पर. हाउएवर द रेन फॉरेस्ट आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द प्लांट्स एंड रिप्लेनिशिंग द एयर विद ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड. और दोबारा से एयर को, एयर के अंदर ऑक्सीजन लाने में और कार्बन डाइऑक्साइड को जो है वो एब्जॉर्ब करने में ये ट्रीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं.